वेलकम बैक टू द चैनल। वापस से हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम प्ले के साथ में, और आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। अब लास्ट वाले एपिसोड में ना हम लोगों ने यार बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से ना हमको कोई भी कार नहीं मिली है। बट आज यार हम लोग ना दोबारा से ऑक्शन में जाने वाले हैं एंड कोई ना कोई ऐसी रेयर कार फाइंड करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी और रेयर हो और जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो। तो अभी ना आज ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है 1 बजे एंड फिलहाल यार 12 बजने वाले हैं। ओके, फिलहाल हमने ना ऑफिस ऑफिस पूरा चेंज कर दिया है एंड थोड़ा बहुत ना यहाँ पे काम कर लेते हैं, तब तक शायद से 1 भी बच जाएगा। और आज ना जैसे तैसे करके ना मेरे को रेयर कार लेनी ही है, क्योंकि आज मैंने ऑफलाइन खेल के यार $5 मिलियन बना लिए हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। एंड पिछली बार ना मेरे को रेयर कार मिली भी थी, बट उस टाइम पे ना मेरे को यार मतलब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। एंड भाई लास्ट वाले टाइम में ना हम लोगों ने जब ऐसे ही दिन स्किप किए थे तो इतना ज्यादा कूड़ा हो गया था। और 1 अभी बजने वाला है यार, भाई काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो मेरे को ना जल्दी अभी ऑक्शन जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्शन शायद से स्टार्ट हो चुका है अभी। ओके, अभी अच्छी कार आई क्या? ओ यार, पहली ही कार जो है ना फरारी है। अब इसके बाद शायद से ना कोई भी अच्छी खासी कार आएगी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक ना जितने भी ऑक्शन मैंने देख रखे हैं, अगर एक कार उसमें थोड़ा मतलब फरारी महंगी निकल गई तो उसके बाद ना कोई भी रेयर कार आना मुश्किल ही होता है। खैर फिर भी थोड़ा देर इंतजार करके देख लेते हैं। ओ भाई, मैंने टिकट बाय करना पड़ेगा ना, मेरे को याद ही नहीं है, चलो टिकट बाय कर लेते हैं। ओके, फिलहाल मैंने टिकट बाय कर लिया है एंड ये वाली फरारी भी ना हम लोग बाय कर लेते हैं। चलो अभी बिड स्टार्ट हुआ है 2,20,000 से और इन लोगों ने ना 3,21,000 तक पहुंचा दिया। भाई काफ़ी ज़्यादा हाई बिड पहुंचा रहे हैं यार। चलो भाई 4,000 मैं लगा देता हूँ, अभी शायद से मेरी हो जाएगी ये गाड़ी अभी। भाई उन्हें धोने धोने। ओके ओके, तो फिलहाल यार अपनी जो फरारी है वो आ चुकी है अपने पास, जल्दी से ना इसको लेके चलते हैं ड्रैग रेस में, क्योंकि पिछली बार यार मैं हार गया था, अब इस बार मैं हारूंगा यानी देखो इसमें एनओएस पहले से ही है। अभी फिलहाल ना जल्दी से चलते हैं ड्रैग रेस में। अब ड्रैग रेस कहाँ था यार? ओ मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ यार। चलो अभी देखो मैं इधर से ना एनओएस लगाते हुए जाऊंगा। भाई काफी ज्यादा स्पीड हो जाती है, अगर इसमें ना स्पीड मीटर भी दिखता ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाता है यार वैसे। खैर अभी ना ये लोग अपडेट देते जा रहे हैं, शायद से उसमें ऐड कर दें। चलो सामने है यार ड्रैग रेस। रुक 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 रुक, डैमेज नहीं हो रहा। ओ भाई बच गया बच गया बच गया। अभी यार यहाँ पे ना सारी की सारी डॉज हैं शायद से। हाँ ये सारी की सारी डॉज हैं, तो इनसे मैं यार रेस करा लूँ क्या एक बार? चलो एक बार करा ही लेते हैं, इससे करा लेते हैं भाई। थोड़ा अच्छा खासा पैसा दे दे यार, भाई अच्छा खासा लगा ले। चलो 400 ही में कर लेते हैं यार। वैसे भी अगर हार भी गए ना तो इसका गम नहीं होगा यार, क्योंकि हमारे पास ना अभी बहुत ही ज़्यादा पैसा है, $5 मिलियन भाई। फिलहाल अभी रेस जो है स्टार्ट ही होने वाली है एंड यार अपने साथ है डॉज, जिसके साथ हमारा ना भाई ड्रैग रेस हो रहा है। खैर अभी ना भाई इससे आज ना भाई जीत के रहूँगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। रुक जा भाई एक सेकंड, ऐसे गियर अप करना पड़ता है शायद से, एक ही लगाना पड़ता है ना। आई थिंक मैं इस बार तो जीत पाऊँगा यार। चिट चिट चिट, ये क्या कर दिया मैंने? मैं हार गया भाई। ची यार पता नहीं क्या कर दिया मैंने। खैर छोड़ो यार, अभी ना पीछे चलते हैं भाई अपनी सिटी में। गलती से मेरे से यार थोड़ा सा ना आगे चला गया था, खैर कोई बात नहीं। चलो अभी दूसरी रेस भी हम लोग लगा सकते हैं। वैसे तो हमको ऑक्शन अटेंड करना है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ दूसरी गाड़ी आ गई यार यहाँ पे। वैसे इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे एक बार, शायद से इन दोनों का रेस कराएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा तेज भागती है ना ये वाली गाड़ी, शायद से मेरे को ऐसा लगता है। खैर एक बार बात करके देख लेते हैं। वैसे मेरी गाड़ी में ना एनओएस है, तो शायद से मेरी गाड़ी और ज़्यादा तेज भाग सकती है। चलो एक बार इससे भी यार रेस करा के देख ही लेते हैं एंड इस बार ना मैं ध्यान रखूंगा यार, जैसे तैसे करके ना इसको हराना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जो फरारी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उस साइड जो लैम्बोगिनी है एंड अपनी जो फरारी है, शायद से मेरे ख्याल से लैम्बोगिनी ज़्यादा तेज भागती है, मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। खैर एक बार रेस करके देख ही लेते हैं। चलो ओके, तो अभी जो है ना रेस स्टार्ट होने वाली है। चलो भाई अब चल 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 चल, भाई क्या स्पीड है यार मेरी अभी, भाई बहुत आगे हूँ क्योंकि मेरे पास ना एनओएस है, जिसकी वजह से ना मेरी स्पीड जो है ना अभी यार कितनी पहुँच गई, 120 भाई। ओ भाई गियर अब ऐसे करते हैं, अभी मेरे को पता लगा यार। वैसे मैंने ना आज तक यार जितनी भी रेसिंग की है ना सारी की सारी मैं हारा हूँ, बट आज पहली बार जो है लैम्बोर्गिनी के साथ मैं रेस जीत चुका हूँ यार। खैर अभी वापस चलते हैं अपनी सिटी में एंड यार अपने को ना अपनी ऑक्शन अटेंड करना है, क्योंकि अभी हमको ना यार एक बढ़िया सी कार लेनी है जो कि मतलब ऑक्शन में मिलती हो हमको। अब पता नहीं यार मिलेगी या नहीं। खैर अभी चलते चलते हैं यार सोने के लिए, क्योंकि मेरे को ना यार स्किप करने पड़ेंगे दिन, मेरे को ऐसा ही लगता है शायद से। वैसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा यार टाइम लग जाता है, वैसे अगर पूरा एक एक दिन करके बिताऊंगा ना मैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा।
तो सोने वाला कहाँ गया यार कंटेनर अपना? शायद से इस साइड को था। ओके तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, अभी भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार इसमें। ये बात बड़ी बेकार लगती है मेरे को। खैर अभी मेरे पास ना $5 मिलियन अभी भी बचे हैं, जबकि मैंने ना फरारी भी ले ली और मैं एक ड्रैग रेस भी हार गया। वैसे ड्रैग रेस इतना ज़्यादा महंगा नहीं था भाई, $340 का था शायद से, पता नहीं कितने का था। खैर अभी सो जाते हैं जल्दी से। ओके आज का रिजल्ट देखो यार, पूरा माइनस में गया हूँ $3 लाख। भाई इसको मैंने रिकवर जैसे तैसे करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल है थर्सडे एंड ऑक्शन आज स्टार्ट होने वाला है। चलो अभी ना 11 बजे स्टार्ट होने वाला है एंड अभी बजे हुए हैं 7, और थोड़ी देर में यार 11 भी बज जाएंगे। खैर अभी ना थोड़ा बहुत, सिट सिट सिट, क्या हो गया यार मेरे से, गलती से ना मैंने अपने ऑफिस में भेज दी अपनी फरारी को। खैर ऑफिस में हमको जाना ही पड़ेगा वैसे भी, चलो जल्दी से चलते हैं। ओके फिलहाल ये रही अपनी फरारी। एंड भाई यहाँ पे ना कूड़ा भी हो जाता है, इसको ना टाइम टू टाइम यार हमको ना साफ करते रहना पड़ता है, नहीं तो यार इतना ज्यादा कूड़ा हो जाएगा ना। अगर मैंने मान लो ना 200 दिन स्किप कर दिए इधर, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा ढेरा बन जाएगा ना कूड़े का, क्या ही बताऊं यार। वैसे इस डस्टबिन में ना सारा जितना भी कूड़ा ला दो सब भर जाता है। ओके तो अभी ना फटाफट चलते हैं ऑक्शन में। भाई पीछे से ग्लिच से देखूंगा मैं, चलो आराम से देखूंगा इस बार। भाई काफी ज्यादा ना हौले हौले करना मेरे को। रुक रुक, थोड़ा पीछे एंड शायद से इससे देख रहा हो क्या? वो देख पा रहा हूँ देख पा रहा हूँ। चलो चलो, ये पहली जो कार है ना ये तो कुछ अच्छी नहीं है, शायद से BMW थी। एंड दूसरी है ऑडी TT, और तीसरी पता नहीं कौन सी है भाई, तीसरी भी यार बेकार ही है। चौथी, ओ ये कौन सी आई, ओ यार फिर से फरारी आ गई है यार। अब पता नहीं इन लोगों को हुआ क्या यार, कोई अच्छी सी कार तो दे दो, कम से कम एक मॉडिफाइड कार दे दो यार, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी और रेयर कार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा यार उसमें। खैर अभी जल्दी से चलते हैं सोने के लिए दोबारा से, क्योंकि मेरे को लगता है ना मैं एकदम टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार अपना। भाई मेरे को सो सो के ना 1-2 दिन स्किप करने पड़ेंगे, तभी मेरे को ना ऑक्शन से यार अच्छी खासी कार निकल सकती है शायद से। अभी तो फिलहाल यार मेरा चल रहा है 116वां दिन। भाई इतने ज़्यादा दिन मैंने स्किप कर दिया ना, तब भी यार मेरे को कोई अच्छी कार नहीं मिली है। चलो अभी जल्दी चलते हैं यार, सो जाते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा ना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वैसे रात भी होने वाली है क्या अभी? नहीं रात कहाँ से होगी यार, अभी तो 9-10 बजने वाला है। चलो ओके तो फिलहाल ना मैंने यार 1-2 दिन स्किप करके यार अपना ऑक्शन वाला डे निकाल रखा है सिर्फ, तो हम लोग ना सिर्फ ऑक्शन अटेंड करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल जल्दी चलते हैं ऑक्शन में। भाई मेरे को ना इस बार लगता है यार, इस बार तो आ जाएगी यार कोई रेयर कार आ जाए ना इस बार, भाई मजा ही आ जाएगा, कसम से कह रहा हूँ। भाई एक रेयर कार चाहिए मेरे को जो कि अच्छी खासी हो भाई, एंड उससे हम लोग ना ड्रैग रेस भी करेंगे। अब पता नहीं यार कैसी होने वाली है। ओके गाइस अभी यार फिलहाल मैंने ना इतने ज़्यादा दिन स्किप कर लिए, तब जाके ना एक अच्छी खासी रेयर कार आई है, शायद से फरारी ही है वो भी, बट शायद से ना पूरी जो है ना एकदम रेयर कार है, मतलब जैसे मतलब कि फुल्ली मॉडिफाइड है। फिलहाल इसमें ना फ्यूल बहुत कम है, क्योंकि मैंने ना भाई पूरा गाड़ी चला चला के ना इसका फ्यूल खत्म कर दिया है, तो इसमें ना फ्यूल भी भर लेते हैं। एंड कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 3 बजे ऑक्शन स्टार्ट हो रहा है, तब हम लोग ना एक फरारी खरीदने वाले हैं जो कि शायद से पूरी मॉडिफाइड है, फुल्ली मॉडिफाइड। अब पता नहीं फरारी थी कौन सी थी, मैंने को अच्छे से यार पता नहीं है, बट शायद से फरारी ही लगी मेरे को। अभी फिलहाल ना इसमें यार फ्यूल भर लेते हैं। भाई कहाँ गया? ओके फिलहाल मैंने फ्यूल भी भर लिया है, एंड अपना जो ऑक्शन है वो होने वाला है 3 बजे स्टार्ट, एंड अभी बजे हुए 9, तो तब तक क्या हम लोग ड्रैग रेस कर सकते हैं? अगर यार भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो यार दिक्कत हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ ना ड्रैग रेस में अभी नहीं जाएंगे, बट शायद से हम लोग ना थोड़ी देर रुको, टिकट तो खरीद लेते हैं यार, क्योंकि ना भाई गड़बड़ हो जाती है फिर। चलो टिकट खरीद लेते हैं, उस टाइम पे ना जब जल्दीबाजी हुई रहती है ना, तो तब टिकट खरीदना यार भूल जाते हैं हम कभी कभी, तो अभी ना टिकट खरीद लेते हैं, ये सही रहेगा। ओके फिलहाल यार बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पे आ गई है, एंड ऑलरेडी 10 बज चुका है, 3 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ी देर ना एक राइड मार के आते हैं विलेज की तरफ। वैसे मैं विलेज की तरफ ना बहुत ही कम जाता हूँ, एंड अपन लोग ना यार एक हाउस भी विलेज में खरीद सकते हैं, जिसको मैंने अभी तक खरीदा नहीं है, बट धीरे धीरे करके उसको भी खरीदेंगे। बट यार काफी ज्यादा मेहनत के बाद यार हमको ना आज जो है ऑक्शन से बढ़िया सी रेयर कार मिलने वाली है। अब पता नहीं कितनी महंगी होगी, वैसे तो यार मेरे पास 5 मिलियन है, इतने में तो यार जैसे तैसे हो ही जाएगा शायद से। वैसे यहाँ पे यार कारें इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो इनसे रेस लगाने में क्या ही मजा आएगा। 3 बजे स्टार्ट होने वाला है ना, अभी 11 बजे है, थोड़ी देर ना विलेज की तरफ घूम के आते हैं। भाई इतना ज़्यादा मैंने ना टाइम लगाया इसमें, भाई क्या ही बताओ यार, भाई पूरा मतलब सरदर्द हो जाता है इसको करने में। वैसे बहुत ज़्यादा दिन स्किप कर लिए थे मैंने। देखो अभी जो है ना इस गेम में एक बड़ा सा अपडेट आने वाला है, जिसमें कि हम लोग ना एक शोरूम को भी चेंज कर सकते हैं,
मतलब जो अपना ऑफिस है उसको शोरूम में बदल सकते हैं भाई, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। धीरे धीरे करके ना ये लोग अपडेट बहुत ही ज्यादा जल्दी दे रहे हैं। वैसे तो यार 12 बज गया है, 3 बजने में क्या ही टाइम लगेगा, यहाँ पे कारें भी इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो इनको खरीदने से क्या फायदा यार। चलो अभी फटाफट ना चलते हैं यार ऑक्शन की तरफ। गए तो अभी भी जो है ना 1 बजा हुआ है एंड 3 बजे स्टार्ट होने वाला है, मतलब यार अभी भी हमारे पास यार टाइम बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत ना और राउंड मार के आते हैं। वैसे शायद से कोई अच्छी खासी कार आ गई हो इधर पे, नहीं अभी कार मार्केट तो ऑफ हो। खैर चलो अभी इधर पे रोक लेते हैं अपनी गाड़ी फरारी को, एंड दूसरी जो अपनी फरारी है ना उसको खरीदेंगे यहाँ से। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो जल्दी से अभी ना बैठ जाते हैं। भाई टाइम तो अभी बहुत ज्यादा है वैसे, चलो 1 मिनट, ओके 50 सेकंड है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। गाइस अभी जो है ना ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, एंड अपनी जो फरारी है भाई फुली मॉडिफाइड उसको हम खरीदने वाले हैं। अभी तो फिलहाल ये जो पता नहीं कौन सी गाड़ी हुई है, ओके लॉर्ड एस्कॉर्ट है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी दे रहे हैं यार इसमें पता नहीं क्यों। खैर वैसे भी यार यहाँ से जो गाड़ियाँ होती है ना वो एकदम साफ सुथरी होती हैं, बस थोड़ा बहुत डस्ट होती है उसमें, बट कोई बात नहीं उसको तो हम साफ कर सकते हैं। एंड अपनी जो फुली मॉडिफाइड फरारी निकलने वाली है उसमें मजा आने वाला है यार, पता नहीं यार कब निकलेगी। भाई इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं यार, वैसे इसको खरीद के क्या ही कर लेंगे लोग। ओके चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। वैसे ना उस वाली कार में ना मैं जितना पैसा लगेगा उतना पैसा लगाऊंगा भाई, जैसे तैसे करके मेरे को ही खरीदनी है वो कार। अब पता नहीं यार क्या होने वाला है, वैसे पैसा तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। चलो भाई जल्दी ख़त्म करो यार इसको, भाई कितना ज़्यादा करोगे। ओके तो फिलहाल यार अपनी जो कार है वो निकल चुकी है, एंड ये है निसान GTR। भाई फाइनली मेरे को निसान GTR मिल गई है, जिसका मैंने भाई काफी ज्यादा मतलब वेट कर रहा था यार। मैंने सोचा नहीं था निसान GTR होगी, भाई जैसे तैसे करके ना मेरे को निसान GTR मिल ही गई, क्या ही मजेदार है यार। चलो भाई अभी ना ये 453,000 डॉलर से स्टार्ट हुई है, एंड इसको मैं ही खरीदने वाला हूँ। भाई थोड़ा लगा लेते हैं भाई पैसा, चलो 9,000 लगाओ पहले, एंड शायद से अभी कोई नहीं खरीद रहा क्या। ओ भाई फाइनली यार हम लोगों ने ना निसान GTR खरीद ली है, भाई कितनी जबरदस्त लग रही है ये देखो। ओ भाई साहब अपनी जो निसान GTR है ना वो मैं पहली बार चलाऊंगा, भाई क्या ही मजेदार है यार, मजा आ गया कसम से कह रहा हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं था यार, वैसे मैंने सोचा ना ये शायद से फरारी होगी, बट भाई निसान GTR निकली, खैर काफी ज्यादा मजा आ गया। ओके तो फाइनली यार अपना जो निसान GTR है ना वो हमने खरीद लिया भाई पहली बार। एंड इसका देख रहे हो अभी इसमें एक चीज उल्टी है, देखो हर किसी गाड़ी में हम लोग यहाँ से चलाते हैं भाई, उसका जो मतलब स्टेयरिंग होती है ना वो इस साइड होती है, निसान GTR की स्टेयरिंग इस साइड है भाई, पूरी मतलब ना मस्त सी गाड़ी है ये। एंड भाई ये वाली जो गाड़ी है ना पूरे के पूरे 132 दिन बाद मिली है मेरे को, भाई काफी ज्यादा टाइम लगा इसमें। एंड इसको ना अभी यार फुल्ली मॉडिफाई कराने के लिए ले चलते हैं, वैसे तो ये मॉडिफाई है फुल्ली तरीके से, बट थोड़ा सा ना इसमें मतलब अच्छा खासा कुछ कलर वलर करके आते हैं, एंड बढ़िया सा करके एकदम टायर वायर लगाते हैं। जल्दी से चलते हैं यार अभी, भाई काफी ज्यादा मजा आ गया यार। देख रहे हो भाई इसका अंदर का लुक दिखाता हूँ तुम लोगों, रुको भाई ये देखो भाई काफी ज्यादा जबरदस्त लगता है। वैसे भाई पहली बार अपने हाथ में निसान GTR लगी है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये देखो भाई थोड़ा सा इसको ना वो करते हो बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है इसकी। चलो इसको ना अभी यार थोड़ा बहुत मॉडिफाई कराते हैं, एंड थोड़ा कलर कराते हैं इसमें, एंड शायद से इसमें कोई क्रैश व्रैश होंगे तो इसको भी सही करा लेते हैं। चलो सबसे पहले रिपेयर में चलते हैं, शायद से रिपेयर तो इसको यार कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्शन से जितनी भी गाड़ियाँ निकलती है ना वो सारी की सारी यार एकदम मतलब सेफ रहती है, एकदम बढ़िया सी रहती है भाई, नो प्रॉब्लम, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी फिलहाल ना इसका थोड़ा बहुत सस्पेंस भी ठीक करना है मेरे को, भाई इसमें चढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं। ओ यार मैं भूल गया था भाई, इसका जो मतलब हम लोग ना यहाँ से जाना पड़ता है इसमें। चलो बाहर निकलते हैं जल्दी से, भाई इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है यार, देख रहे हो अबे इसमें कलर, अबे रुक जा रुक जा, अबे बहुत ज्यादा स्पीड हो रही है इसकी यार, इसको मैं कैसे करूंगा। अब हुई है डैमेज, पहले तक तो नहीं थी लेकिन अब हो गई यार, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, मैं थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा आगे चल रही जा रही है। चलो भाई अभी बात कर लेते हैं इससे, यार ये पूरा मतलब ना उल्टा है इसमें सिस्टम। चलो खैर इससे बात कर लेते हैं, ओके एक इसमें टर्बो ऐड कर देते हैं, और एक ये हो गया रेसिंग किट भी ऐड कर लेते हैं, और इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा मेरे को मतलब अजीब जैसा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना सही रहेगा शायद से, चलो इतना कर लेते हैं। ओके तो फिलहाल मैंने सस्पेंशन तो इसका ठीक कर दिया, बट थोड़ा बहुत ना इसका कलर चेंज कर देते हैं। रुको भाई कहाँ से होता है इसका कलर चेंज, ये रहा, और इसको थोड़ा ना बढ़िया सा बनाएंगे, वैसे रेड अच्छा लगेगा या थोड़ा कुछ अलग करें।
ये वाला सही लगेगा क्या? ओके फाइनली यार, मैंने ना पूरा अपनी जो निसान GTRS को मॉडिफाई करा लिया है, एंड अभी ना इसमें थोड़ा बहुत कलर कर लेते हैं। भाई रुक जा यार, एंटर नहीं होता यार इसमें। एक तो यार पूरा उल्टा सिस्टम है ना, दिक्कत ये है। चलो जल्दी से इसमें पेंट वेंट करा लेते हैं। भाई इसमें थोड़ा सा अगर धक्का दे दो ना, बहुत ज़्यादा आगे चले जा रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अपना जो रेड कलर है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है, बट देखेंगे कौन सा कलर अच्छा रहता है। चलो बात कर लेते हैं इससे भी। चलो ये वाला कलर सबसे बढ़िया लग रहा है। एंड बाकी इसमें क्या है यार, पॉलिश स्मूथनेस थोड़ा सही है। चलो स्मूथनेस सही है, एंड मेटेलिक लुक थोड़ा दे देते हैं इसको, जिससे कि मतलब ना थोड़ा बहुत, वैसे यार यही सही है। चलो इतना सही है ना। चलो एंड बाकी इसमें और तो कुछ नहीं करना है ना मेरे को। ओके तो फाइनली यार, मैंने ना अपनी जो निसान GTR है उसको पूरी तरीके से मॉडिफाई करा लिया है, एंड अभी इसमें और कुछ काम तो बाकी नहीं है। ओके तो फिलहाल यार, आज का जो वीडियो है इधर तक रहने वाला है। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।